देश विदेश में बकरीद की धूम है, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हालांकि त्योहार के बीच टेंशन बढ़ाने वाली खबरें भी आ रही हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक युवक ने भड़काऊ रील शेयर कर माहौल खराब करने की कोशिश की है। हालांकि योगी पुलिस ने एक्शन लेते हुए युवक को तुरंत ही पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया। दूसरी ओर नवी मुंबई से चौंकाने वाला मामला भी सामने आया है, जहां मटन शॉप में एक बकरे के ऊपर राम नाम लिखा गया और जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने FIR दर्ज करके शॉप के मालिक को अरेस्ट किया है। दोनों ही खबरों के बाद से प्रशासन और ज्यादा चौकन्ना हो गया है। बकरी ईद पर टेंशन फैलाने की कोशिश, एक्शन में यूपी पुलिस। भड़काऊ रील बनाई, पुलिस ने फौरन की कार्रवाई। अड़ली किसी ने बकरा ईद पर पड़ी लकड़ी तो हिसाब पड़ सका। बकरे पर लिखा राम नाम, पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन। देश भर में बकरी ईद को लेकर तैयारियां हो रही हैं, लोग उत्साहित हैं तो प्रशासन भी अलर्ट है। और इन सब के बीच बकरी ईद पर कुछ लोग टेंशन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रहे ये वीडियो उस शख्स के हैं जो बकरी ईद से पहले धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा था, लोगों को धमका रहा था। लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, पुलिस तक पहुँचा तो पुलिस ने इसके खिलाफ एक्शन लेने में जरा भी देर नहीं की। धार्मिक भावना भड़काने और लोगों को धमकाने के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मेरे से गलती हो गई, मुझे इस रील के बारे में नहीं पता था, साहब मुझे माफ कर दो। मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना क्षेत्र के थाने के लॉकअप के पीछे से माफी मांग रहे इस शख्स ने 14 सेकंड की रील बनाई। अपनी रील में यह शख्स धमकी दे रहा था, बकरी ईद पर खून खराबे की बात कर रहा था। हिंदुस्तान के कोने कोने पर अल्लाह अकबर का नारा गूंजेगा, अड़ली किसी ने बकरा ईद पर पड़ी लकड़ी तो हिसाब भर सका। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस तुरंत हरकत में आई, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और कुछ ही घंटों के अंदर आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गिरफ्तार होते ही रील में धमकाने वाले शख्स की घिग्गी बंद गई, कैमरे के सामने ये माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मुझे इस रील के बारे में नहीं पता था, साहब मुझे माफ कर दो, एक बार माफ कर दो साहब, मैंने अपने दोस्तों को कहने का किया था, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, साहब मुझे माफ कर दो साहब। इस रील का मुझे रील के बारे में कुछ पता नहीं था साहब, मैंने बना दी हो। एक सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो वायरल हुआ, उसका संज्ञान लिया गया और संज्ञान लेते ही उसमें एक मालूम हुआ कि बरकता गांव का एक आराम नाम का युवक ने ये भड़काऊ वीडियो वायरल किया था। इस संबंध में थाना बुढ़ाना पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आराम को पुलिस हिरासत में लेकर विधिक आवश्यक कार्रवाई की है। सोमवार को बकरी ईद है और उससे पहले योगी सरकार ने बकरी ईद को लेकर पुलिस और प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा है। किसी भी तरह से टेंशन फैलाने वालों पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। सड़क पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध है और केवल निर्धारित जगहों पर ही नमाज की अनुमति दी गई है। बकरी ईद पर प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर भी रोक रहेगी। सीएम की तरफ से साफ कहा गया है कि जहां कुर्बानी का स्थान तय होगा, कुर्बानी वहीं दी जाएगी। यूपी के मुजफ्फरनगर की तरह ही नवी मुंबई से भी बकरी ईद से पहले टेंशन फैलाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक मटन शॉप में बेचने के लिए रखे बकरे के शरीर पर राम नाम लिखा गया था। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को जब इसकी जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंचे। पुलिस को इसकी सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया और दुकान के मालिक को हिरासत में लिया गया। 17 जून को देश भर में बकरी ईद मनाई जाएगी, लेकिन लोग शांति और खुशी से ये पर्व मनाएं, पर्व से पहले कहीं कोई तनाव न हो, इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है।